यार तू बहुत बात करता है, तू ना बोलना कम कर यार। तू बचपन से कितना बोलता है, कभी तो बोलना कम किया कर। क्या आपको भी लेडीज एंड जेंटलमैन ऐसे जो है डायलॉग्स आए हैं अपने पेरेंट्स से या फिर अपने रिलेटिव से? अगर आए हैं तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू कैन मोनेटाइज योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे आप कम्युनिकेशन करके जो है पैसे अर्न कर सकते हो, कैसे अपने स्किल्स को, कम्युनिकेशन स्किल्स को जो है मोनेटाइज कर सकते हो। अभी आप सोच रहे होंगे कि यार कम्युनिकेशन से या फिर यानी कि बातें करने से हमें पैसे कैसे मिल सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हमें बिल्कुल मिल सकते हैं। अगर आपको जानना है टोटली इन डिटेल तो आई वुड सजेस्ट वॉच द वीडियो टिल द एंड, विदाउट स्किपिंग आप ये वीडियो जरूर देखें। देखो सबसे पहली चीज, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बिकॉज जब हम कम्युनिकेशन करते हैं तो सामने वाला जो है, सामने वाले के बारे में हमें पता चलता है कि उसके थॉट प्रोसेस क्या है, उसके माइंड में क्या चल रहा है, राइट? बट जब ये मोनेटाइजेशन की बात आती है कि हमें उससे पैसे कैसे कमाने चाहिए, तो सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो वो है एफिलिएट मार्केटिंग। आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बहुत सुना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है कि आप किसी और के प्रोडक्ट जो है प्रमोट करते हो। मान लो आप इंस्टाग्राम पे हो, मान लो आप यूट्यूब पे हो, मान लो आपका लिंक्डइन पे, आपके प्रोफाइल पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं या फिर आपके वेबसाइट पे ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, वो सारे प्लेटफॉर्म पे जो है आप एक छोटा सा वीडियो बना सकते हो एंड उस वीडियो में किसी और के प्रोडक्ट्स जो है प्रमोट कर सकते हो। एंड जैसे ही कोई आपके लिंक से खरीदता है प्रोडक्ट तो आपको कमीशन मिलता है। तो ये है सबसे पहला तरीका एफिलिएट मार्केटिंग। दूसरा तरीका है स्पीकिंग एट इवेंट्स। आपने देखा रहेगा जब आप कॉलेज में होते हो या फिर अगर आप कॉलेज में रहोगे तो बहुत सारे इवेंट्स होते हैं कॉलेज में जहाँ पर कोई एक बंदा आता है एंड एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर वर्कशॉप देके जाता है, या फिर पूरे दिन या फिर 2-3 घंटे जो है कोई एक टॉपिक पे जो है डिस्कशन होता है एंड वो स्पीकर जो है उस टॉपिक के बारे में जो है पूरा जानता है, यानी कि ही इज अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। तो वहाँ पे आके जो है हमें नॉलेज देके चला जाता है। फिर बाद में हमें कहा भी जाता है कि हमसे रिव्यू लिया जाता है कि हाँ आपको कैसा लगा एंड ऑल करना सब। तो आप भी उसी तरह से कर सकते हो। मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आप लोगों को सिखा सकते हो, इवेंट्स पे जाके डिजिटल मार्केटिंग के सेमिनार्स ले सकते हो, आप वर्कशॉप कंडक्ट कर सकते हो 2-2 3-3 दिन के एंड यू कैन चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट? सो इस तरह से आप इवेंट के लिए भी पैसे चार्ज कर सकते हो। थर्ड थिंग इज बिकम एन ब्रांड एम्बेसडर। यस, बिकमिंग एन ब्रांड एम्बेसडर से मेरा मतलब यह है कि अगर आप किसी ब्रांड एम्बेसडर का मतलब यह है कि आप किसी कंपनी के लिए या फिर आप किसी ब्रांड के लिए जो है आप उन्हें रिप्रेजेंट करोगे। लाइक एक एक्स वाई जेड ब्रांड है, उस एक्स वाई जेड ब्रांड को जो है ग्रो करने के लिए वो क्या करते हैं, किसी इन्फ्लुएंसर को जो हायर करते हैं। आपका काम क्या होता है, आपको आपके वीडियोस के थ्रू जो है उस ब्रांड का प्रमोशन करना है। सो इस तरह से भी जो है आपको बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। आपने देखा रहेगा बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, विराट कोहली है या फिर नेहा कक्कर है, जो भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है, वो एक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे डालने का जो है बहुत करोड़ों में, लाखों में जो है चार्ज करते हैं। वो इतना क्यों चार्ज करते हैं? बिकॉज उनकी फॉलोइंग इतनी ज्यादा है, राइट? सो आप भी इसी तरह से जो है वीडियो बना के ब्रांड्स के लिए जो है अपने लिए अपॉर्चुनिटीज जो है ओपन कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है फेसबुक वीडियोस। अभी आपने देखा रहेगा जब भी आप फेसबुक स्क्रॉल करते हो आपको पोस्ट से ज्यादा जो है वीडियोस मिलेंगे, राइट? सो वीडियोस आर द मोस्ट ट्रेंडिंग वन। अभी मूवी भी जब भी आप देखते हो तो मूवीज क्या होता है, सो बेसिकली इट्स अ शॉर्ट 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 वीडियोस का कॉम्बिनेशन होता है एंड वो एक मूवी बनाई जाती है, राइट? सो जब भी आप क्या कर सकते हो, फेसबुक के लिए वीडियो बना सकते हो किसी ब्रांड के लिए। लाइक एक्स वाई जेड ब्रांड है एंड अभी उनको ऐड चलाना है, तो उनको ऐड चलाने के लिए कोई बंदा लगता है, राइट? एक कोई इन्फ्लुएंसर लगता है, तो आप उनके लिए भी जो है एक एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ मीडिएटर जो है स्पीक कर सकते हो या फिर वीडियो बना सकते हो। तो आई होप ये सारे स्ट्रेटेजीज जो है आपको समझ में आ गए रहेंगे। सो आज से ही अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना चालू कीजिए एंड मोनेटाइज इट एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो देन डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। चीयर्स।